आज आपसे टीम का भी इंट्रोडक्शन करवा ही देंगे। KGF 3 का ट्रेलर आ गया। अरे मॉनिटर मंगवाया था लिलीपुट का हमने एक्सटर्नल कैमरा के लिए और इसमें ये कुछ अजीब से ही वो लिख रहा है। सब कुछ अब सेटअप हो चुका है मस्त हमारा। कह रहा थोड़ा सा कम पड़ रहा है व्लॉग, 9.5 मिनट का है, 30 सेकंड कुछ भी और बोल दो। बनवाया था ये चश्मा 0.75 नंबर का है मेरा, हल्का सा है नंबर पर, वो ये जरूरत पड़ती नहीं जब कंप्यूटर वगैरह पे काम करो तब बस पहन लो ज्यादातर। ये केबल रख लो सारी संभाल के। तो अभी बैग वैग ऊपर सेट कर दी और अलमारी की सफाई चल रही है, थोड़ी सी सामान जो फालतू का वो फेंको और जो जो काम का वो रखो। सब करना है बेटे, सब करना है। योगा नहीं करते बताओ, हद हो गई। वाह 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 वाह, गणेश जी की मूर्ति निकली है, पता नहीं दी किसने थी, अलमीरा में बड़ी थी, लगा लो मंदिर में लगा लो। गाड़ी की लग रही है मुझे तो, नीचे से गाड़ी में चिपकाने में नॉर्मल है। चलो ले जाओ यार, ये जो ट्रिप पे जाने से पहले मैं मैक मिनी लेकर आया था ना नीचे स्टूडियो के लिए, आज इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। साथ ही साथ अपने अमेज़न से भी कुरियर आए हुए जो ऑर्डर करे थे, कुछ तो यहाँ निकाल दिया है, कुछ अभी भैया निकाल रहे हैं। चलो जी चलो, और कुछ सामान गाड़ी में भी पड़ा है जो मैं कल रात को लाया था, ये भी अभी निकलवाते हैं। पहले नीचे ये छोड़ा है जो ये देखो, इतने टाइम से इतना सामान मंगवाया है अमेज़न से, सारे डब्बे यहाँ पड़े हुए बाहर खाली जो हो गए, बाकी नीचे अभी सेटअप हो ही रहा है। चलो भाई साहब चलो, फायदा यही है इसकी ना, सीट फोल्ड हो जाती है और जितना मर्जी सामान ठूस लो फिर, बट आगे का नुकसान ये है कि चार ही बैठ पाते हैं क्योंकि बेंच वाली सीट नहीं है ना, तो 5 नहीं बैठ पाएंगे। चलो जी चलो, ये सब कुछ लेकर चलते हैं। 2 लाइट लाए थे, दिखा देता हूँ आपको। ये नई सीरीज आई है गोडोक्स की LA 200, ये है तो 200 प्लस, ये नहीं, ये दिखा ना, ये हमारा मॉडल है 100 में भी बाय, मतलब दोनों है वॉर्म और अपनी क्या कहते हैं कूल वाली है ना, और ये अपने 2 सी स्टैंड है इन लाइट्स के लिए। जो नया आपको मैंने बोला काम शुरू हो रहा है उसी सब के लिए ये सारा सामान लिया गया, क्योंकि हमारे चैनल्स के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास पूरा सेटअप था ही, बट ये अपग्रेड किया जा रहा है उस काम के लिए। चलो चलो आ रहा हूँ। चलो जी चलो, हाँ इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी नीचे चलते। आज आपसे टीम का भी इंट्रोडक्शन करवा ही देंगे जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था कि किन किन लोगों को हमने हायर करा है किस पोस्ट के लिए, तो वो आपको आज के व्लॉग में पता चल जाएगा। एक एक करके भाई अब सब चीजों की अनबॉक्सिंग करते हैं और सेटअप करते हैं। तो ये होता है भाई सी स्टैंड, पहले भी हमने लिया था ना, अब ऐसे 2 और लेने पड़े हमें। और गोडोक्स की जो हमारे पास लाइट्स थी ना वो थी भाई SL 60 वॉट्स की, अब हमने लिया 200 वॉट्स की गोडो, मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़िया वाली बड़ी लाइट हो गई और बहुत महंगी है भाई वो, मतलब 33-34 हज़ार की एक लाइट है, और जबकि ये वाली 8-9 हज़ार रुपए की एक। नीचे भी अनबॉक्सिंग चल रही है, यहाँ पे भी अनबॉक्सिंग चल रही है कुरियर की। साथ ही साथ अपना खाना आ गया यहाँ पे दोपहर का, ये खा के आज भाई बहुत काम है, एक दो लोगों को ही बुलाया उनसे मीटिंग है, प्लस ग्राफिक डिजाइनर भी जो शॉर्टलिस्ट कर लिया उनके साथ भी जूम कॉल पे मीटिंग है, फिर एक गाड़ी का रिव्यू करने जाना है मुझे, और फिर शाम को जाके मैं फ्री होऊंगा, तो उससे पहले आपको टीम से इंट्रोड्यूस करवा ही दूंगा। और यार आजकल के वेदर की वजह से ना हमारा स्कैल्प काफी ज्यादा ऑयली हो जाता है, साथ ही साथ में हेयर भी काफी स्टिकी स्टिकी से रखते हैं, बट उसके लिए मैं यूज करता हूँ वाउ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू और सेकंड कोकोनट ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल हेयर कंडीशनर। सबसे पहले तो भाई मैं यूज करूंगा ये एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, इसमें 100% प्योर ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, स्वीट आलमंड ऑयल एंड आर्गन ऑयल, ये हेल्प करता है जेंटली क्लीन करने में हेयर एंड स्कैल्प को। इस एप्पल साइडर विनेगर की एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हेल्प करती है डैंड्रफ, ड्राई एंड इची स्कैल्प जैसे इश्यूज को रिड्यूस करने में, साथ ही साथ ये हेल्प करता है पीएच लेवल बैलेंस करने में हेयर एंड स्कैल्प का, एंड साथ ही साथ हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगा ये हेयर कंडीशनर, ये बना है कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, वीट प्रोटीन एंड विटामिन B5 एंड ई से, ये हेल्प करता है रिपेयर एंड रिवाइव करने में वीक थिन एंड डैमेज हेयर को, साथ ही ये आपके हेयर एंड स्कैल्प को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है, इसके अलावा ब्रेकेज को रिड्यूस करता है एंड प्रोवाइड करता है सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर। बाकी आपको पता ही है यार वाउ स्किन साइंस के किसी भी प्रोडक्ट में हार्श केमिकल नहीं होते, जैसे कि सल्फेट्स, पैराबेंस, मिनरल ऑयल्स एंड सिलिकॉन। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है भाई वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ स्क्रीन पे एक कूपन कोड आ रहा होगा Anmol Jaiswal 20, ये अगर आप यूज करते हो ना तो आपको मिलेगा भाई 20% का डिस्काउंट वाउ की वेबसाइट की है www.buywow.in। तो भाई देर किस चीज की, बी वाउ नेचुरली। चलो जी काम शुरू हो गया है, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आज हम पहले अपने यारे मैक मिनी की, ताकि इसको सेटअप कर ले अच्छे से, बड़े दिन से पड़ा हुआ जब मैं ट्रिप पे निकल गया था। के बाद हमने 2-4 सामान और मंगवाए हुए, जैसे वो टेलीप्रॉम्प्टर बताया था लास्ट वीडियो में आपको, उसकी भी अनबॉक्सिंग करके सेटअप करके अनमोल जायसवाल के लिए वीडियो शूट करेंगे। 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा भाई इन सब काम। ये जो आप सामने देख रहे हो ना बड़े बड़े से सॉफ्ट बॉक्स, इनके अंदर जो मेन लाइट है ना वो गोडोक्स की है, जो कि आप देख सकते हो ये है भाई SL 60। अरे मॉनिटर मंगवाया था लिलीपुट का हमने एक्सटर्नल कैमरा के लिए और इसमें ये कुछ अजीब से ही वो लिख रहा है, और ये टूटा तो पड़ा है शायद, नहीं नहीं टूटा नहीं है, अभी ये कनेक्ट करते हैं कैमरा से फिर पता चल जाएगा कि खराब है या नहीं। ऑब्वियसली खराब हुआ तो भैया रिटर्न मार दो, अमेज़न का सबसे बेस्ट यही है। यार कैमरा सेटअप करा देखो, इसकी आउटपुट जो है इसमें आ रही है बट स्क्रीन में दिक्कत ही है ना, कुछ अलग से ऊपर से ये लाइनें वाइने आ रही है साइड में,
तो इसको रिप्लेस मारते हैं फटाफट से। अभी चलो जी, अब फटाफट से आपको टीम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक एक करके सब अपना नाम बता देंगे और क्या काम करते हैं एक्चुअल में वो बता देंगे। भाई ये अपना वर्क स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पर टोटल 3 लोग बैठते हैं और अभी हम यहाँ पर और बनवा रहे हैं। आपको मैंने ब्लॉग में बताया था टेबल जहाँ पर 2 लोग और बैठेंगे, बट पहले यहाँ पे हमारे टीममेट या टीम मेंबर, हाँ जी नाम वाम बताइए, क्या काम करते हो? मेरा नाम राहुल बजाज है और मैं यहाँ पे एज ए वीडियो स्पेशलिस्ट काम करता हूँ, यानी कि वीडियो की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग वाला सारा काम मेरा है। ठीक है जी। सेकंड जो यहाँ पर चेयर है ये शर्मिली जी की है, जो आना नहीं चाहते कैमरा के आगे, तो आपने शायद से देखा ही होगा पहले कभी ना कभी किसी ब्लॉग में, बट अभी वो इंट्रो के लिए नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे दूसरे एडिटर बैठते हैं, मतलब दोनों का सेम काम है, एक चैनल ये संभालते हैं, एक दो चैनल वो संभालते हैं, तो मिलके 2 एडिटर्स काम हो जाता है। तीसरे एम्प्लॉय हमारे जो न्यू हायरिंग हुई है अभी कुछ टाइम पहले ही, हाँ जी इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम विधि सक्सेना है और मैं यहाँ पे एज अ कॉन्टेंट राइटर वर्क कर रही हूँ। जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो जाती है मैं उन सबके कॉन्टेंट लिख कर देती हूँ। जितनी मतलब पूरे यूट्यूब में नहीं, हमारी जो आती है YouTube पे तो लाखों करोड़ों वीडियोस आ रही है, क्योंकि आपके YouTube चैनल्स में जो हमारी YouTube चैनल्स हैं उनके लिए स्क्रिप्ट्स लिखती हूं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है अभी न्यू हायरिंग है, तुम्हें 2-3 महीने हो गए ना, तीसरा महीना, 2 महीने पूरे हो गए यहाँ, और जो ये भाई साहब थे ये 4-5 महीने हो चुके हैं, और अभी अभी जो रिसेंटली जिनकी बातें चल रही थी कि 15 अगस्त से ज्वाइनिंग होगी। हाँ जी भाई साहब, मेरा नाम देवेंद्र यादव है। क्या काम करते हो? काम तो मीडिया हैंडलिंग एंड सोशल मीडिया हैंडलिंग और अपलोडिंग का सारा वर्क मेरा रहेगा। तो बेसिकली टेक्निकल पोस्ट बताऊं तो चैनल के मैनेजर है ये, कि हाँ मतलब वही चैनल्स को मैनेज करते हैं कि कौन कब वीडियो बनाएगा, कैसे स्क्रिप्ट होगी, कैसे कैसे वो होगा, तो वो सब काम इन भाई साहब का अपलोडिंग के साथ। ठीक है जी। तो ये भाई अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं 16 अगस्त से ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी केशव के बारे में आपको पता ही है, वो भी फुल टाइम ही है और साथ ही साथ ब्लॉग्स की एडिटिंग करता है। जैसे मेरा पूरा दिन ब्लॉग जो है वो शूट होता है, पर एडिट करना पड़ता है 9-10 बजे, इसलिए वो घर में ही रहता है यहाँ पे, तो कभी चाहे 11 बजे हो 12 बजे हो रात को एडिटिंग कर देता है। बाकी इन सब की टाइमिंग सुबह से 10 से शाम को 7 बजे तक रहते हैं ये लोग, उस बीच में जितने भी काम होते हैं ये टीम संभाल लेती है पूरा। प्लस में अभी एक और हायरिंग हो रही है जो 2-3 दिन में हो जाएंगे फाइनल, ग्राफिक डिजाइनर की। मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी उस रिगार्डिंग की थंबनेल्स वगैरह बनाने, क्योंकि मेरी वीडियो ही मिला के भाई 30-40 डलती है महीने की, फिर जो हम काम शुरू कर रहे हैं और मतलब थंबनेल्स ग्राफिक्स का बहुत काम होने वाला है, इसलिए हमें फुल टाइम एक डिजाइनर चाहिए था, तो वही शॉर्टलिस्ट कर लिया। इंटरव्यू प्रोसेस होगा, फिर फाइनल जो है हायरिंग मतलब मंडे ट्यूसडे तक आ जाएंगे। तो मोटा मोटा 3 लोग यहाँ बैठेंगे, ये भाई साहब का भी ठिकाना है नहीं, इसलिए हमने बीन बैग दे रखा है इन्हें, तो जब इनका टेबल वहाँ रेडी हो जाएगा तो एक यहाँ पे ये और साथ में ग्राफिक डिजाइनर, तो 2 लोग वहाँ बैठ जाएंगे, 3 लोग यहाँ। वैसे वो टेबल हमारा 3 लोगों का ही बन रहा है, बट अभी के लिए 2 ही बिठाएंगे। केशव जो है वो तो ऊपर ही रहता है, वहीं से एडिटिंग कर देता है। तो टीम से आप मिल लिए होंगे भाई लोग, कैसा लगा? अभी छोटी सी टीम है, टारगेट ये है कि भाई 2023 के एंड तक या 2024 स्टार्टिंग जो होगा, अगर हमारा ये नया बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो 30-40 लोगों की टीम हमें खड़ी करनी है, तो होपफुली हो जाए। और केशव कह रहा है KGF 3 का ट्रेलर आ गया, दिखाओ जी कौन सा ट्रेलर आ गया, हमने तो देखा नहीं KGF 3 का, नकली है। चैनल का नाम बताओ ना किस पे है, ट्रेलर प्रो पिक्चर गलत है, ये वही है भाई फैन वाले जो बनते हैं ना ट्रेलर, लोगों ने बना दिए होते हैं, ऑफिशियल ट्रेलर नहीं आया, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले आई हुई है। 2 हफ्ते पहले ट्रेलर आता ना भाई इंटरनेट पे भूकंप मच चुका होता, सब लोग स्टोरी पोस्ट कर रहे होते KGF ट्रेलर ये वो। हाँ वो आ गए नाम की वजह से आ गए, असली नहीं है भाई वो फैन मेड ही है, मतलब एम ही बंदे ने। और मेरे को स्टोरी भी सुना रहा केशव, कह रहा क्या हुआ उसमें कि वो प्राइम मिनिस्टर को ही किडनैप करके ले जाता है। मैंने कहा ट्रेलर तो आया नहीं, तुम्हें कहां से स्टोरी पता चल गई? तो ये इस टाइप के ट्रेलर निकले थे। मैंने कहा ठीक है चलो, अभी ऑफिशियल आने में कोई लग भी नहीं रहा, मुझे 1-1.5 साल तो आराम से खींची जाएगा। फाइनली अनमोल गैराज की भी वीडियो शूट कर ली है, ये काम भी डन अपना। घर चल के देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आज के दिन, शायद से बाहर जाना पड़ेगा अभी थोड़ी देर बाद, वो कंफर्म नहीं है, काम होगा तो कर लेंगे वरना कोई गल नहीं, आज के काम निपट गए, मस्त गेम में खेलेंगे बैठ के। अच्छा नहीं याद आ गया सर, एक ब्रांड का शूट करना है, वो घर जाते ही करना पड़ेगा, वो कल लाइव होनी है उनकी वीडियो भी, मतलब जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो उसी दिन लाइव होनी है अनमोल जायसवाल चैनल पे, जल्दी जल्दी जाके निपटाए भाई। यार ये जो गंगा जल लेकर आए थे हम हरिद्वार से, थोड़ा सा गाड़ी के अंदर ही गिर गया, पता नहीं कैसे कैनी पलटी हुई थी जब मैं आया, अब इसको ले चलते अंदर ही रखते हैं, वरना तो देखना कितना खाली हो गया यार यहाँ से, इतनी दूर से लाए हैं तो भैया ऐसे वेस्ट क्यों करना है ना। X7 फिलहाल बाहर खड़ी है, क्योंकि अंदर खड़ी है भाई हमारी टियागो, जो मैं ट्रिप से पहले अंदर कर गया था, तो इसको पहले बाहर करेंगे और फिर यहाँ पर X7 लग जाएगी, देखते रहो गाड़ी ऑन है। चलो जी टियागो को निकालते हैं बाहर और यही चलाते हैं, क्योंकि हम सिटी में तो इसलिए
ज्यादातर ये भारी रहनी चाहिए, रेडी एकदम जब मर्जी जानो फटाफट ऑन करा इंजन और भग लिए। बाकी X7 और थार अपनी अंदर रहती है, जब यूज होगा तभी निकालते हैं। फिर सब कुछ अब सेटअप हो चुका है मस्त हमारा। लो जी एक कुरियर और आ गया अपना। ऐसी करते करते देखो आज कितने सारी अनबॉक्सिंग हुई है। ये मॉनिटर आए हुए दो, इनको भी करेंगे। एंड ये वाला पिलर भी हमने अच्छे से एकुस्टिक पैनल लगा दी है, इस वाले पिलर पे भी, इसके इधर की साइड भी लग गए हैं और ऊपर भी यहाँ पर दो लेयर जो है और लगा दी गई है और इधर भी। तो अब ना भाई बहुत ज्यादा जो एको है ना वो कंट्रोल हो गई। पहले मतलब भाई बहुत गूंजती थी आवाज, बहुत ज्यादा गूंजती थी, लेकिन अब नहीं गूंजती है। प्लस जो थोड़ी बहुत वीडियो में आती भी है हम वो पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक कर देते हैं। तो अपना जो सेटअप है बोलने के लिए या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट हो चुका है। 75 years later हो गई एडिटिंग, जल्दी दो फिर फटाफट से। कह रहा थोड़ा सा कम पड़ रहा है व्लॉग, 9.5 मिनट का है, 30 सेकंड कुछ भी और बोल दो ताकि 10 मिनट का हो जाए। तो चलो भाई 30 सेकंड तक गिनती कर देते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए, चलो 30 भाई। इस वाली ब्लॉग के लिए रखते हैं भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वाओ के प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ में कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, 20% डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। When I write to give a piece of myself to the page, I don't do it for the praise, love. That's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass in the